कहते हैं मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र ही किसी महिला का अभिन्न आभूषण होता है, लेकिन एक ऐसी महिला भरतपुर की पूनम, जिसका पति पूनम जो थी महिला, उसकी तीन बहन, दो छोटी बहन थी, तीनों बहनों की शादी भरतपुर के नरेना चौथ गांव के तीन भाइयों के साथ 2010 में हुई थी। बड़ा जो भाई था, जिसको पूनम, जिसकी पत्नी पूनम थी, वह भाई संजय दोनों पैरों से हल्का सा विकलांग था। खेतीबाड़ी ही परिवार का जीविकोपार्जन का एक साधन थी। लेकिन जब पूनम ने अपने पति से कहा कि परिवार चलाने के लिए और ऊपर उठने के लिए मुझे पढ़ना लिखना है और सरकारी नौकरी लगनी है, तो पति संजय ने उसको पूरी छूट दे दी। विकलांग होने के बावजूद भी मार्केट से उसके लिए पढ़ाई के लिए किताबें लाता था, उसको कोचिंग भी करवाता था, हर तरह से अपनी पत्नी पूनम को संजय सपोर्ट किया करता था, जिससे एक सपना पाल रखा था उसने कि अगर उसकी पत्नी पूनम पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लगती है तो परिवार का उद्धार हो जाएगा। परिवार का उद्धार तो हो गया 2014 में, जब पूनम CRPF में कांस्टेबल के पद पर तैनात हो जाती है। अच्छे सपने देखे जा रहे थे, तीन बच्चे भी पैदा हो गए। लेकिन उसके बाद जब वो CRPF में नौकरी लग गई, वहीं से फिर परिवार का जो सपना देखा था, परिवार ऊपर प्रोग्रेस करेगा, वहीं से परिवार के विनाश की कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि पूनम को अपने ही साथी कांस्टेबल राम प्रताप से प्यार हो जाता है और प्यार इतना परवान चढ़ता है कि पूनम अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति संजय, वह संजय पति जिसने उसको पढ़ाया लिखाया, किताबें लाकर देता था और नौकरी तक लगवाने में उसने पूरी मदद की, यहाँ तक कि घर का काम भी वो संजय अपनी पत्नी पूनम से नहीं करवाता था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर घर का काम करेगी तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। घर में भी शोर शराबा नहीं होने दिया जाता था, क्योंकि पूनम की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। इन सब के बावजूद जब पूनम नौकरी लग जाती है तो फिर वहीं से उसके मन में फितूल पैदा होता है और अपने साथी से अवैध संबंध, अवैध प्रेम हो जाता है और फिर वहीं से खून की दास्ता लिख दी जाती है। संजय जो पति है उसको बुलाया जाता है 31 जुलाई को और फिर अपने साथी के साथ मिलकर दिल्ली में उसकी हत्या कर दी जाती है। और यहीं बात ख़त्म नहीं होती, अपनी वर्दी, उसका जो प्रेमी है राम प्रताप, वो कांस्टेबल की वर्दी पहनकर अपनी ही कार में उसको वानसूर अलवर में ले आता है अपने प्लॉट में और सबको दफना देता है। यहाँ ही तक कहानी नहीं रुकती, दो दिन बाद परिवार परिजनों को शक हुआ तो फिर छुट्टी लेकर के पूनम दिल्ली से और अपने गांव न रहना चौथा जाती है। परिजन फिर भी पूछते हैं, वो कुछ नहीं बताती है, हंसती खिलती रहती है, किसी को आवाज़ तक नहीं होने देती, यहाँ तक कि मांग में सिंदूर भी लगाती है, मंगलसूत्र भी पहनती है, किसी को जाहिर ही नहीं होने दिया कि वो है अपने पति का कत्ल कर चुकी है। पूरी खुशी से, ऐसो आराम से वो अपने घर में छुट्टी मना रही थी। लेकिन इसी दरमियान जब परिजनों को पूरा शक होने लगा तो पुलिस को अप्रोच किया, पुलिस ने फिर पूरा भांडा फोड़ दिया और भांडा ऐसा फोड़ा कि पूनम को गिरफ्तार कर लिया, पूनम के साथ उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया और जो सब दफनाया गया था उसको भी बांसुर से बरामद कर लिया गया। सवाल यही है कि एक ऐसा पति जो दोनों पैरों से विकलांग था, बहु ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर जो विवाहित महिलाएं, उनको पढ़ने लिखने की छूट नहीं दी जाती, नौकरी कराने की छूट नहीं दी जाती, लेकिन संजय और संजय के जो माता पिता थे वो थोड़े खुले विचारों के थे और उनको लगा कि बहू अगर पढ़ना चाहती है तो उसको छूट दी जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने छूट दी और उसको पढ़ाया लिखाया, हर तरह से सपोर्ट किया, पढ़ाई में सपोर्ट किया, किताबें लाने में सपोर्ट किया, कोचिंग दिलाने में सपोर्ट किया और उसको एक नौकरी तक, सरकारी नौकरी दिलाने में उस मुकाम तक पहुँचाया। लेकिन बाद में फिर उस मासूम चेहरे वाली पूनम ने ही अपने घर को बर्बाद कर दिया और अपने पति का कत्ल कर दिया। इस घटना को लेकर, इस वारदात को लेकर पूरे इलाके में चर्चाओं का विषय है और एक शोक का विषय है और नाराज़गी भी है लोगों में कि एक ऐसी महिला की, महिला भी इस कदर गिर सकती है, जिसको पढ़ाया लिखाया शादी के बाद परिजनों ने, पति ने, सास ससुर ने, और फिर वही महिला अपने पति का खून कर देती है। तीन बच्चे हैं, तीन बच्चे, पिता की मौत हो गई, जो माँ है पूनम वो अब जेल में रहेगी। अब सवाल यह है कि माता पिता, एक माँ की करतूत, एक महिला की करतूत के कारण पति भी खो गया, बच्चों का पिता भी खो गया, माँ भी खो गई और फिर अब बच्चे एक तरह से अनाथ रहेंगे, उनके माइंड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, शायद ये वो सोच नहीं पाई होगी। लेकिन सवाल यही है कि जब गिरफ्तार करके लाए गए थे खो थाने में पुलिस उसको, तब हम वहाँ मौजूद थे और उस समय भी जो कातिल महिला थी पूनम, उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं थी, बिल्कुल हाव भाव से ऐसा लग नहीं रहा था कि वह अपने पति का कत्ल भी कर चुकी है। समझिए कि परिस्थिति और स्थिति किस कदर खराब हो चुकी थी, प्यार किस तरह से परवान चढ़ चुका था, ऐसा प्यार जो खून तक पहुंच गया हो, जो कातिल कत्ल करने तक पहुंच गया हो,
ऐसे प्यार का क्या मतलब होगा जो अपने बच्चों की नहीं उसने सोची, तीनों बच्चों को अनाथ कर दिया, उनके पिता को उनसे बिछाड़ दिया और माँ के नाते अब वो भी जेल में रहेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी वारदात हुई है उसको लेकर सभी लोग क्षेत्र के स्तब्ध हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या।